पर रोक लगाने की ढिंढोरा पीटने वाली योगी सरकार के नाक के नीचे गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है और सब कुछ जानने के बाद भी इस सरकार में अधिकारी और कर्मचारी धड़ल्ले से वसूली कर अवैध धंधों को जनपद में संचालित कर रहा है। दूसरी ओर ग्रामीणों के लाख शिकायतों के बाद भी इन अवैध धंधों पर रोक नहीं लगाई जा रही। कुछ इसी तरह का मामला कुशीनगर में सामने आया है, जहां प्रतिनिधि अवैध नए अस्पतालों का खुलने का सिलसिला जारी है, जिसका असर ग्रामीण क्षेत्रों के भोली भाली जनता को उठाना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से झोपड़ी में भी झोला छाप डॉक्टर ऑपरेशन करने का काला बाजार कर रहे हैं। वहीं पैसे की वसूली का आलम यह है कि बिना किसी मानक जांच के बकायदा हॉस्पिटल का लाइसेंस जारी कर दिया जा रहा है, जहां झोला छाप डॉक्टरों के कारण किसी छोटे बीमारी से असमय ही लोगों की मौत हो जाती है, जिससे कुशीनगर में एक महीने के अंदर दर्जनों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन, सड़क जाम सहित कई अन्य आंदोलन भी किए जा चुके हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपने अड़ियल रवैये से पास नहीं आ रहा है। जानकारी के लिए बता दे कि इस गोरख धंधे का पर्दाफाश तब हुआ जब झोला छाप डॉक्टर द्वारा 12 घंटे से एक महिला का ऑपरेशन कर रहे थे और इसी दौरान महिला की मौत हो गई और स्थानीय पुलिस को कानों कान पता तक नहीं चला। जब उग्र ग्रामीणों ने आदित्य अस्पताल का घेराव करना शुरू किया तो आनन फानन में प्रशासनिक अमला जगा और आदित्य अस्पताल को सील किया गया और आनन फानन में महिला की शव को बिना पोस्टमार्टम कराए उसकी अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा करा दिया गया। वहीं स्थानीय दुधही CHC प्रभारी डॉक्टर AK पांडे ने बताया कि आदित्य हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। यहाँ के कोई भी जिम्मेदार आदमी यहाँ पे नहीं है, तो हम और एडिशनल CMO डॉक्टर ताहिर अली इसको अभी सीज कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई जांच में जो भी आएगी आपको समय से बताया जाएगा। कार्रवाई हो रही है और पुलिस कार्रवाई होगी और जो भी अनाधिकृत रूप से अस्पताल और क्लिनिक चला रहे हैं, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय और शासन द्वारा जो मानक है उसको पूर्ण नहीं करेंगे तो उनके। कुशीनगर से धर्मेंद्र कुमार कनौजिया की रिपोर्ट।